हाय चटोरों, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में देखा कि आप राजस्थानी बेसन के गट्टे की सब्जी आसानी से आप घर में कैसे बना सकते हैं। वो वाली वीडियो आपने न देखी हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि घर में टेस्टी पुलाव आसानी से कैसे बना सकते हैं, जो खाने में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी होने वाले हैं। घर में कुछ भी चीज़ या आपकी कोई भी चीज़ उपलब्ध हो, उस चीज़ों से हम पुलाव बनाएंगे। सबसे पहले हमने इंडक्शन ऑन कर लिया। इंडक्शन ऑन करके इसमें 4 कप पानी डाल दिया। 4 कप पानी डालने के बाद हमने 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद हमारे पास ये 1 कप पुलाव है। पुलाव को अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इसमें हमने पुलाव डाल दिया। डालने के बाद इस तरह से हम डाल देंगे। इसको हमें उबालना है। इसको 2 से 3 मिनट धीमी आंच में उबालेंगे। उबालने के लिए हम इस तरह से चावल डाल के अच्छी तरह से चम्मच से चला लेंगे, ताकि ये चावल के गट्ठे ना बने, नहीं तो उबलने के बाद ये चावल चिपक जाएंगे। फिर बाद में हम इसको अच्छी तरह से लाने के बाद में हम इसमें ढक दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से धीमी आंच में पकाया। देखिए किस तरह से कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारे पुलाव रेडी हो चुके हैं कि नहीं रेडी हो चुके हैं। ये हमारे पुलाव रेडी हो चुके हैं। फिर हम इसको पानी इसको छान के निकाल के रख लेंगे। फिर हमने इंडक्शन ऑन किया है। इंडक्शन ऑन करने के बाद हमने इसमें फ्राई पैन रख दिया है। फ्राई पैन रखने के बाद इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद ये हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल ये करीबन 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल है। इसको हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद इसमें चुटकी भर हींग डाल देंगे और इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा से हम इसको चावल को बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगेगा। फिर अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। देखिए कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। फिर बाद में हमें स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें 4 से 5 काजू डाल देंगे। काजू को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि जब ये बनेगा तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगेगा। इस तरह से हम करछी की मदद से चलाते रहेंगे, ताकि हमारा काजू अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। फिर हमारे पास कुछ सोयाबीन की बड़ियाँ हैं और कुछ उबले हुए ये छोले हैं। इसको इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा सा यूनिक बनाएंगे। इसको जब हम बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और चटकारेदार बनेगा। इस तरह से हमने जब हम छोले उबाल लेंगे, उबालने के बाद इसमें डालेंगे और जो सोयाबीन की बड़ियाँ हैं इसको रात भर पानी में भिगो के इसका पानी निकाल लेंगे, तब इसमें डालेंगे। ये हमारे सोयाबीन की बड़ियाँ और चने अच्छी तरह से भुन चुके हैं। फिर हमने स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा ये इसमें पुदीना का पाउडर है और थोड़ा सा जलजीरा है, इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। फिर हमारे पास ये पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस है। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा अगर इसमें आप डाल के बनाएंगे तो, बहुत ही टेस्टी और चटकारेदार लगेगा। फिर हम इसमें करीबन 1 चम्मच पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस डाल देंगे। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से हम करछी की मदद से मिलाएंगे। इसको भी अच्छी तरह से भूनना है, ताकि कण कण में इसका स्वाद आ जाए, इसको अच्छी तरह से मिल जाए। इसको आप एक बार घर में ज़रूर बनाइए। अगर आप इसको बनाएंगे और किसी छोले चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और चटकारेदार लगेगा। मेहमान घर में आए, मेहमानों को भी बना के खिलाइए, वो भी आपकी तारीफ करेंगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर हमने जो इसका जो चावल उबाल के रखे थे, इसका जो हमने पानी निकाल लिया है, पानी निकालने के बाद इसमें हम अपने ये जो चावल है इसको हम डाल देंगे। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना, मिक्स करना ज़रूरी है, ताकि इसमें पूरा इसका फ्लेवर अच्छी तरह से चला जाए। इस तरह से हम करछी की मदद से चलाएंगे। इसको एक बार में घर में ज़रूर बनाइए। ये एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी और चटकारेदार लगेगा। इसका स्वाद आपको बहुत ही बेहद शानदार लगेगा और आप एक बार बनाएंगे तो इसको खाते रह जाएंगे। ये हमारा वेरी टेस्टी हाई प्रोटीन वाले पुलाव रेडी हो चुके हैं। फिर इसमें प्याज हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी आपको अच्छे लगेंगे। ये हमारे पास छोले की सब्जी है। फिर क्या, खाइए खिलाइए और सब्सक्राइब करके जाइए। मैं चला।